आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय मसीह की। आइए हम आज के कार्यक्रम करने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस समय आशीषित किया, संभाले रखा, ताकि हम आज के दिन में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन रुत फिर करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद कर दें और खुदावंद को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके स्तुति आपकी संगति करने वाले बन सके। हम हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम जो भी गीत गाते हैं आपके, आज जो भी बच्चे लोग को पढ़ते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय बसने वाले हो सके। हम हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय जो हमारे साथ में भाई बहन ऑनलाइन के तहत जुड़े हुए हैं, आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना और अपने भाई ठाकुर के नीचे रखना, और हर समय आप उन्हें हमारे साथ और ऑनलाइन के द्वारा जुड़ाना परमेश्वर पिता। हम हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जब हम इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं परमेश्वर पिता, तैयार के नाम से शुरू होने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और किसी भी शैतानी आत्मा को या किसी भी नेटवर्क के इशू को परमेश्वर पिता मेरे पास आने देना परमेश्वर पिता, और आपकी ये ऑनलाइन की मीटिंग चलती रहने वाली हो सके परमेश्वर पिता, बिना रुकावट के ये चलती रहने वाली हो सके। हम हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम आज की आराधना में गाय लेंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूंगा।
वचन में जाने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस समय आपने हमें इकट्ठा किया ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, जब हम वचन के भाग में जाते हैं परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर पिता इतना समय हमें संभाले रखा, आगे का समय भी परमेश्वर पिता हमें संभाले रखना। आज जो हम वचन में सीखते हैं वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए परमेश्वर पिता, हम उसमें काम करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। जो वचन हम सीख रहे हैं सीखते हैं उसमें हमें आशीषित करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज का दिन परमेश्वर पिता आपने पूरा अच्छे से संभाला परमेश्वर पिता। जितने लोगों को दुख तकलीफ थी उन्हें आपने चंगाई प्राप्त करी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन में जाते हैं तो हमें उसमें मन लगाना, सारा दिन हम आपको देते हैं। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम जैसे वचन में लिखा है लुका मत्ती की लुका जी सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 46 से 48 में इस प्रकार लिखा है, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनसे कहा, उनसे उनके मन में मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उसने कहा, जो कोई मेरे मन से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे हैं छोटे से छोटा है वही बड़ा है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आइए हम आगे का समय पास्टर विनर फिर को देंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पुनः एक बार मनन करेंगे और उसमें अपनी निगाहों को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया है, विचार करें। प्रिय, वास्तव में यह जो शब्द है यह हमें सिखलाता है कि हमें विचार करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि विचार एक ऐसा शब्द है कि जो व्यक्ति अपने लिए भी विचार करता है, दूसरे के लिए भी विचार करता है, यदि वो व्यक्ति बुरा है तो भी उसके विषय में विचार करता है, यदि अच्छा है तो क्यों अच्छा है उसके विषय में विचार करता है। और मेरे प्रियो, यह बहुत सही है कि प्रत्येक मनुष्य को विचार करना बहुत जरूरी है। जब तक आत्म मंथन ना हो, जब तक हम अपने जीवन का परीक्षण ना करें, जब तक हम अपने आप को ना जांचे, जब तक हम अपने आप को ना खोजे ना तराशे, तब तक प्रियो हम अपने आप का कभी भी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। वचन यहाँ पे पढ़ते हैं तो मिलता है, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि यहाँ पे ये जो लोग अर्थात उसके चेले किसके संगति में है, प्रभु यीशु मसीह के संगति में है, और ये आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि कौन प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला है, कौन इन चेलों में से सबसे बड़ा है, कौन प्रभु यीशु मसीह के करीब रहेगा। और इस उनके मन की भावनाओं को, मन के विचार को प्रभु यीशु मसीह जान गए और एक छोटे से बालक को ला करके कहते हैं कि जो कोई इस बालक को मेरे नाम से ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यह परमेश्वर का वचन बतलाता है। हमें विचार करना है, जब ये चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात हैं, उनके आश्चर्य कर्मों को देख रहा है,
उसके प्रभु के संगति को व्यतीत कर रहे हैं, वे लंगड़ों को चलते और अंधों को आंखें पाते देख रहे हैं और उन सच्चाइयों को जान रहे हैं, फिर भी इनके मन में यह शब्द आ रहा है कि हम में से बड़ा कौन है। ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रह करके भी इनके मन में पाप उत्पन्न हो गया। हम तो मेरे प्रिय प्रभु से दूर हैं, तो हमारे मनों में ऐसा विचार आ सकता है और आता ही है, क्योंकि मानव स्वभाव पाप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य के सामने लालच को रख दिया जाए तो वो सबसे पहले पाप की ओर दौड़ता है, वचन की ओर नहीं मेरे प्रियो। इसलिए यह वचन हमें सिखलाता है कि यदि किसी को बड़ा बनना है तो उस छोटे से बच्चे के पास जाए और उसके चरित्र को, उस छोटे से बच्चे के मन के विचार को, उनके व्यवहार को हमें देखने को कहता है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के जीवन में पाप नहीं होता, मलिनता नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती, वो सब को एक समान मानता है। इसलिए प्रियो वचन सिखलाना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना आत्म मंथन, आत्म चिंतन, अपने जीवन का विचार, अपने आप को तलाशना बहुत आवश्यक है। चाहे वो मसीह में है, चाहे वो मसीह में नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो मनुष्य कहीं न कहीं किसी न रीति से पाप में गिर जाता है। इसलिए हर एक को समय रहते अपने आप का, अपने आप के जीवन को, स्वयं का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। आइए हम छोटी छोटी कुछ एक बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बतलाता है। यदि हम दानियल की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे एक राजा नबूकदनेस्सर का वर्णन है जो राजाओं में श्रेष्ठ है और वह सबसे उच्च स्थान में बैठा है, परंतु उसका घमंड उसके अंदर भरा पड़ा है। स्वयं का घमंड मनुष्य को पतन की ओर लेके जाता है, स्वयं का घमंड मनुष्य को गिरा देता है। यदि हम दानियल नबी की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसका 15वां पद को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का घमंड, मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। और ये तो राजा है, इसे तो अपने सभी कर्मचारियों की ओर अपनी दृष्टि रखना है। यदि वो राजा की मूरत की ओर दंडवत नहीं करते तो कारण उसका है, उसको जानने की आवश्यकता है। यदि वे लोग, वहां के जो लोग थे, वे प्रभु को, अपने इसको दंडवत कर रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है या उनका काम है। मेरे प्रियो जब यदि कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो वह बुराइयों में फंस जाता है, और यहाँ पे वही हो रहा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड में आ गया, स्वयं के घमंड में, और कहता है मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने क्या करो, दंडवत करो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो उस आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे।
लेकिन मेरे प्रियो, जो अपने ऊपर घमंड रखता है उसका पतन होता है, लेकिन जो उस जीते परमेश्वर पे भरोसा करता है, जो उस परमेश्वर की ओर नजर उठाता है, उसका सिर कभी झुकने नहीं देता। हम वचन को पढ़ते हैं, 25 पद में लिखा, फिर उसने कहा अब मैं देख, और राजा नबूकदनेस्सर देखता है कि वे तीन नहीं चार हैं, और वे टहल रहे हैं, और आखिरी पद में लिखा है चौथा जो है पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे प्रियो, यहाँ पे राजा नबूकदनेस्सर इन बातों से कह बताता है, यदि हम इसी के 28 पद को पढ़ें, धन्य है सदरक मेसक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की ओर नहीं झुकते। यहाँ पे हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर का जो घमंड है टूट गया। दूसरी बात हम देखते हैं स्वयं का आंकलन करना। हमें अपने आप को पहचानना है प्रियो। यदि आज हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है कि हमारा जीवन पाप में डूब जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि लूकाचीस सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां पद में हम पढ़ते हैं, वहां पे 9 से लेकर के 14वें पद तक पढ़ते हैं, वहां पे एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का बहुत अच्छा वर्णन है। 11वां पद में पढ़ते हैं, वहां पे लेकिन फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। यह अपनी स्वयं की प्रार्थना में अपने अंदर के अहंकार को, अपने जीवन के अहंकार को प्रार्थना में खुदावन के कदमों में रख के बोलता है कि मैं इस फरीसी के समान नहीं हूं, न मैं इस व्यभिचारी मनुष्य के समान हूं, न तो चुंगी लेने वाले के समान हूं, न अन्यायी हूं, क्योंकि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रार्थना में है क्या कि मैं मतलब मैं का प्रार्थना, मैं का घमंड जो वहां नजरों में दिख रहा है। मेरे प्रभु परमेश्वर भी मैं का प्रार्थना को नहीं चाहता, जिसमें अहंकार हो, जिसमें घमंड हो, जिसमें अपने जीवन को किसी भी प्रकार को ऊंचा उठाने वाले। परंतु जब हम इस दूसरे फरीसी के चुंगी लेने वाले को हम देखते हैं तो वो क्या कहता है, वह बहुत ही सुंदर शब्द में प्रार्थना करता है। 13वां पद में लिखा, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना ना चाहा। वो अपने आप को उस खुदावन के कदमों में अयोग्य समझ रहा है, तभी तो वो स्वर्ग की ओर आंखें नहीं उठा रहा है, वरन अपनी छाती पीटकर उसको एहसास है कि मैंने पाप किया है, हे मेरे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यही वो कारण है जिसके कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पे लोगों के पास भेजा। तीसरी बात हम देखते हैं, जो हमें मिलता है फिलिप्पियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 4-7 पद में पढ़ते हैं। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 4-7 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है,
पौलुस बड़े ही सुंदर शब्दों में कहता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हालेलुया, कितनी अच्छा विश्वास है उसका प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि मैं तो अपने शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। आठवें दिन मेरा खतना हुआ, अपने शरीर के विषय में घमंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये उन दिनों के समय के अनुसार इसका जो कार्य था वह धर्मी का योग्य था, इसलिए वो गर्व कर रहा है। लेकिन जब इसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया तो यही सब कुछ कूड़ा करकट हो गया। आगे पढ़ते हैं, आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश का बिन्यामीन के गोत्र का हूं बोलता है। ये ऐसा वैसा नहीं, अन्य जातियों से बुलाए नहीं, परंतु उन 12 गोत्रों में से एक गोत्र है और वह बिन्यामीन का गोत्र का है। फिर कहता है कि वे व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी, मतलब यह फरीसी पंथ का, ये लोगों को शिक्षा देने वाला, क्या अच्छा और क्या बुरा करने वाला, बतलाने वाला, लोगों पे न्याय और अन्याय का दोष मढ़ने वाला। फिर आगे करता है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। ये अपने फरीसी पंथ में किसी दूसरे लोगों को घुसने नहीं दे रहा था और दूसरे लोगों को तोड़ने नहीं देता था, और यह अन्य लोगों को अर्थात मसीही प्रेम करने वालों को या मारा कुटता और जेल में डाल दिया करता था। और उस उत्सुकता को बता रहा है, जब वो इन कामों को करता था, मसीह और लोगों को मारता था, तो आनंद का विषय मानता था। जैसे आजकल लोग मसीहों को सताते हैं तो कहते हैं हमारा अच्छा कर्म है। जी नहीं मित्रों। फिर आगे पढ़े क्या बोलता है पौलुस, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, अर्थात वह सीने पर्वत में पाया हुआ जो व्यवस्था थी, 10 आज्ञाएं थी, उसका वह धार्मिकता से पालन करता था और वह क्या था, निर्दोष था। परंतु सातवां वचन कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। परंतु उसी को मैंने उस जीव के प्रभु यीशु मसीह के कारण उन सब चीजों को हानि समझा, सब चीजों को कूड़ा करकट समझा, क्योंकि वो सच्चे प्रेम को पा लिया था और अपने अंदर के अहंकार को तोड़ दिया। जिस घमंड में वो जीता था वह सब टूट गया मसीह के प्रेम से। उसने मसीह को पाकर अपने जीवन का, स्वयं के जीवन का क्या किया, परीक्षण किया, आत्ममूल्यांकन किया, अपने जीवन को खोजा कि मैं पहले कैस क्या था, अब कहा हूं। अगली और आठवीं बात, अगली बात हम देखते हैं, जो भी हमने पढ़ा लुकरची सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 46 पद को पढ़ते हैं। वहां पे इस प्रकार से वचन कहता है, लुकरची सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 46 पद, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन। हालेलुया, आज लोग यह विचार करते हैं कि मैं पादरी हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं प्रभु के बहुत करीब हूं, अभिषिक्त हूं, तो मैं क्या हूं, बड़ा हूं, मैं क्या हूं, धर्मी हूं, मैं क्या हूं, मैं इन जो बैठे हैं कांग्रीगेशन जो जनता है उनसे बड़ा मैं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखलाना चाहता है। अभी हमने देखा ना
पौलुस को, पौलुस क्या कहता है, मैं इन सारे धर्म के कामों को क्या किया, त्याग दिया, क्योंकि ये सब थोड़ा करकट है। मसीह में हम सब भाई बहन हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। यदि वो कहता है कि मैं प्रभु का सेवा करता हूं तो वो भी प्रभु का दास है। मुझको वो परिच्छेद याद आता है जब पहली बार इज़राइल के लोगों ने यहोवा से विनती की कि प्रभु हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए, किनके समान, फिलिस्तियों के समान हमें राजा चाहिए। तब परमेश्वर क्या लिखा है, पछताता है, मैं जो इनको इतने साल से इनकी अगुवाई कर रहा हूं, आज ये लोग राजा की मांग कर रहे हैं। अभी आठवें अध्याय, पहला समय उसका आठवें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ही अच्छा वर्णन है। लेकिन वहां पे सौम्यल उन इसराइलियों से कहता है, उन राजाओं से जिसको राजा बनाना चाह रहा उनसे भी कहता है कि परमेश्वर की नजर में तुम जो राजा हो और जो तुम प्रजा हो दोनों परमेश्वर के लिए एक समान हो। वह बतलाना चाहता है कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। इस बात को हमको जानना अवश्य है, यदि हम मसीह में हैं तो हमें यह बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी परमेश्वर के नजर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। परमेश्वर के नजर में यदि जो बड़ा है वो सब उसके बच्चे उसके नजर में बड़े हैं। एक माँ के सामने यदि उनके सब बच्चे खड़े हो जाए ना, तो कभी भी माँ ये नहीं बोलेगी कि मेरा प्यारा बेटा, ये मेरा दुलारा बेटा, वो सबको अपना बेटा ही बोलेगा। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बतलाना चाहता है कि बड़ा कौन है जिसका जीवन उस बच्चे के समान है, जिसमें निर्मलता है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें शुद्धता है, जिसमें कड़वाहट नहीं। इसलिए हम मनुष्यों को अपना आत्मा परीक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास अभी जीवन है, हमारे पास समय है, हमारे पास अभी हर एक पल पल हम अपने आप को तराश सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार जब अपनी मूर्ति को बना लेता है तो उसे ओके नहीं करता, फिर वो दूसरे बार उसे आ करके उसकी उसके अंदर की खामियों को ढूंढता है कि यह गलत है कि सही है, और जब वह पूर्ण रीति से मान लेता है कि हाँ अब ये सही है, तब वो अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को सब लोगों के सामने पेश करता है। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में हमारे पास समय है, हमें अंत तक अपने आप को, अपने आप का परीक्षण करना है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इस पवित्र वचन को क्या बोला है, दर्पण का प्रतिरूप दिया है, ताकि हम नित्य प्रतिभोर, नित्य रोज दिन सुबह शाम जब हमें मौका मिले हम इस पवित्र वचन से हम अपना आत्ममूल्यांकन करें, ताकि हम अपने आप को उस प्रभु के कदमों में डाल सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो पवित्र कलाम जो लूकाचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में जक्काई का वर्णन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके पास क्या चीज की कमी थी, धन था, शौहरत थी, ठीक है लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, जिसके पास धन रहता है लोग उससे भला बुरा कहते हैं, लेकिन उसने भी अवसर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया
और वह जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था उस मार्ग में अपने आप को क्या किया, आत्ममूल्यांकन किया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसे देखे तो क्या बोले, हे जक्कई जक्कई। वो क्यों उतरा, क्योंकि वो जानता था उसके अंदर अवगुण है, घमंड है, अहंकार है, पैसे का घमंड है, पद का अहंकार है, और ये सब उस जीवते परमेश्वर के सामने कूड़ा और करकट है। इसलिए पौलुस क्या बोलता, मैं इन सब चीजों को करकट समझता हूं, इन सब चीजों को मैं कुछ नहीं मानता मसीह के प्रेम के साथ। इफिसियों 3:4-7 के बीच में भी हमने पढ़ा। तो जब वो जक्काई अपने जीवन का आत्म परीक्षण कर सकता है, तो आप और मैं, खुदावन ने हमें अवसर दिया है, आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें और उसका आत्ममूल्यांकन करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने हमें यह सुंदर सा जीवन दिया, हर प्रकार के रंग से हमें रंगा और हर प्रकार की त्रुटियां से हमें बाहर निकाला और हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके पद चिन्हों पर चलने वाले बन सके। हे पिताब से प्रार्थना करता हूं, हम सभी को अपने दाहिने हाथ के नीचे रख, ताकि हम दिन प्रतिदिन अपने आप का मूल्यांकन कर सकें, अपने आप को खोज सकें कि हमारे जीवन में कोई बुराइयां और गलतियां तो नहीं है। हम कहीं संसार में ना जाएं, लोगों के पास ना जाएं, परंतु आपके पवित्र वचन में हम अपने आप को ढूंढे, क्योंकि यह वचन हर एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ और इसके अलावा कोई है नहीं। इसलिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी भाई बहनों को अपने सामर्थ्य भरे हाथ नीचे रखना और आशीष करना। हाँ यीशु, हम इस घर को, इस घर के चारों तरफ पवित्र आत्मा का बड़ा चाहते हैं, आप सामर्थ्य देना ताकि जितने भाई बहन हम सब सुनते हैं, आपके वचन में रहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम सब आनंदित और आदर महिमा आपको देते हैं। विनतीश नासर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।